20 बरस पहले बरसात की एक तूफानी रात थी। इलाहाबाद के नजदीक नैनी रेलवे स्टेशन से ठीक 2 मील के फासले पर जमुना के उस पार संगम भवन नाम की ये आलीशान इमारत मुद्दतों से वीरान और लावारिस पड़ी है। सुना जाता है कि बरसात की डरावनी रातों में जब मूसलाधार बारिश होती है तो आधी रात को एक कश्ती कहीं से आकर इस महल के सामने जमुना के दरमियान डूब जाती है और महल से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए लोग इससे खौफ खाने लगे हैं और इसे मनहूस समझते हैं, मगर इस उजाड़ महल के टूटे फूटे क्वार्टर में एक बूढ़ा माली अब तक रहता है। इसी बूढ़े माली की बयान की हुई एक अजीब कहानी इस महल के मुताल्लिक मशहूर है कि यहाँ मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। जी हाँ सरकार, इस महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया गुजरा है। 40 या 45 वर्ष हुए एक गुमनाम शख्स नदी के रास्ते रातों को कहीं से आकर ये महल बनवाता और सुबह होने से पहले ही चला जाता। जब ये महल बन चुका तो एक खूबसूरत औरत उसके साथ आई और यहाँ रहने लगी। वो सारा दिन बड़ी बेचैनी से रात का इंतजार करती और दिन ढलते ही नदी के किनारे अपने पीतम की राह तकने के लिए जा बैठती। आंधी हो या तूफान, वो शख्स ठीक अपने वक्त पर आधी रात को यहाँ पहुंच जाता और सुबह होने से पहले ही रोसत। एक रात के मूसलाधार बारिश पड़ रही थी, जमुना में भरी बरसात का भयानक तूफान आया हुआ था। मोहब्बत की कश्ती डगमगाती डोलती अपनी मंजिल की तरफ चली आ रही थी कि जमुना के किसी भंवर में फंसकर डूब गई। लेकिन डूबते डूबते नदी की मौजों से एक आखिरी पैगाम आया कि गम न कर नाकामनी, हमारी मजबूत मोहब्बत पर तकदीर के इस जबरदस्त हमले से तुम निराश न होना, मोहब्बत हारी नहीं हारेगी नहीं, मैं फिर आऊंगा जरूर आऊंगा। कामनी इस वादे पर जमुना की मौजों में अपना सुख और चैन ढूंढती फिरती रही। आखिर एक रात वो खुद भी किसी भंवर में फंसकर डूब गई और उनके अरमानों का ये खूबसूरत महल वीरान हो गया। 40 वर्ष के बाद आप पहले आदमी हैं जो इसे फिर से आबाद करने आए। बस? जी हाँ बस, कहानी खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई, अधूरी रह गई। तुमने ये तो बताया नहीं कि वो लोग कौन थे। वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे ये राज तो वो अपने साथ ही ले गए। उनके जाने के बाद ना तो कोई उन्हें पूछने वाला आया ना ही कोई जानने वाला आया। तुम कब से यहाँ हो? मैं तो शुरू से ही यहाँ हूँ। इस महल के बाग मेरे ही हाथों के लगाए हैं। हुजूर ने तो ये महल खरीदा है, हुजूर को तो उनका पता निशान मालूम होना चाहिए। नहीं, हमने इसे सरकारी नीलाम में लिया था और नीलाम के कागजात में इसे लावारिस बताया गया है, इसलिए इसके मालिकों या वारिसों का हमें भी कोई निशान नहीं मिल सका। लेकिन तुम्हें अगर पता निशान कुछ नहीं मालूम तो क्या नाम भी नहीं मालूम? नौकरों को अपने मालिक का नाम किस तरह मालूम हो सकता है?
जब तक कि उनको बताया ना जाए। उन्होंने कभी बताया नहीं, यहां उनका नाम लेकर किसी ने पुकारा नहीं, और मैंने कभी पूछा नहीं। खैर, दोबारा ये गलती न करना। अब एहतियात के तौर पर तुम्हें अपने नए मालिक का नाम मालूम हो जाना चाहिए, शायद कभी ऐसी जरूरत महसूस हो। मेरा नाम हरिशंकर है। ये क्या फरमा रहे हैं आप? आपको सारा कानपुर जानता है, ये सारा इलाहाबाद जानता है। आप एक मशहूर जज के लड़के हैं। भगवान करे आप यहाँ आबाद हों, फूलें फलें। अच्छा, आप सफर से थक गए होंगे, अब आप आराम फरमाएं। वो सोने का कमरा है, बिस्तर वहां बिछा हुआ है। मेरे लिए और कोई सेवा सरकार है तो, मगर इस बरसात के रात में तुम्हें भारी पड़ेगी। फरमाइए सरकार, मेरी तकलीफ की परवाह ना कीजिए। ये महल शहर से कितनी दूर है? कोई 4 कोस होगा सरकार। तो तुम्हें 4 कोस चलना पड़ेगा। जाऊंगा सरकार, फरमाइए। जॉर्ज टाउन जानते हो? कौन सा टाउन सरकार? जॉर्ज टाउन, जहाँ बैरिस्टरों के बंगले हैं, हाईकोर्ट के पास। जानता हूँ सरकार, वहां कहाँ जाना होगा? बैरिस्टर श्रीनाथ के यहाँ। उनसे कहना है कि उनके दोस्त कानपुर से आ गए। बहुत अच्छा सरकार, बंदगी बंदगी। क्या राज है? कौन थे तुम? ये बिल्कुल मेरी तरह क्यों हो तुम? कहीं मैं तुम्हारा दूसरा जन्म तो नहीं हूं?
कौन है? शंकर, क्या बात है? क्या बात है शंकर, क्या हुआ? जरा ठहरो, मुझे होश में आने दो, मैं जरा खामोश रहना चाहता हूं। मेरी तस्वीर यहां क्यों है श्रीनाथ? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पिछले जन्म में मैंने ही ये महल बनवाया हो और वो अधूरी मोहब्बत की हो जिसे मुकम्मल करने के लिए अपने इस जन्म में मैं यहां आ गया? ये महज एक इत्तफाक है। अगर ये इत्तफाक है तो बहुत खतरनाक, और अगर ये इत्तफाक है तो वो मैंने क्या देखा? वो भटकती हुई रूह। दरअसल तुम पर उस माहौल का असर हो गया है। वो कुछ नहीं है, वो एक वहम था। नहीं, मैं वहम नहीं, हकीकत। इसीलिए तुम्हारे पिताजी से खरीद कर पछता रहे। तुमने बड़ी गलती की कि तुम आधी रात को अकेले यहां पहुंच गए। मैं इसलिए यहां अकेला आया था कि जो कहानी इस महल के बारे में मशहूर है उसकी मैं भी जरा तहकीक कर लूं। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यह दर्दनाक कहानी मेरी ही पिछली जिंदगी की निकलेगी। नहीं नहीं, यह बिल्कुल गलत है। आप चलो, इतनी जल्दी तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार आदमी हो, जरा अपनी अकल से भी मशवरा करो। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि तुम कल रात ही की गाड़ी से कानपुर लौट जाओ। ये तुमने बड़ी अकलमंदी से काम लिया कि तुम वापस कानपुर चले जाने पर राजी हो गए। यहाँ इलाहाबाद में रहकर तुम उस मनहूस महल को नहीं भूल सकते थे, और बड़ी उलझन में बात पड़ जाती है। ये तुम्हें मालूम ही है कि जज साहब मुझे कई बार हुक्म दे चुके हैं कि मैं जल्द से जल्द इस मुसीबत को जो उन्होंने गलती से मोल ले ली है बेच दूं या नीलाम कराऊं। और ये तुम भी जानते हो कि जज साहब के मिजाज के खिलाफ कोई कदम उठाना कितनी खतरनाक गलती है। बेशक, वैसे भी तुम्हें ऐसे खतरनाक खेलों से बचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे दिलो दिमाग पर तुम्हारी मंगेतर का हक है, तुम उसकी अमानत। हाँ, मगर महल को बेचना मत। पिताजी को समझा देना कि वो बिक नहीं सकेगा। उसके बिकने से शायद मुझे सदमा होगा और वो मुझे उम्र से याद रखेगा। अच्छा अच्छा, तब मैं चलता हूँ। हाँ देखो, मेरा कुछ जरूरी सामान वहाँ रहेगा, तुम उसी वक्त उसे अपने यहाँ लेते हैं। अच्छी बात है, मैं उसी तरफ से होता जाऊँगा।
आ गए। मुझे मालूम था कि तुम आओगे। इतनी हैरान क्यों हूं? मैं कोई वहम नहीं, कोई ख्वाब नहीं। मुझे गौर से देख लो, मुझे छूना मत। मुझे सिर्फ देखो, मुझसे बातें करो। कौन हो तुम? शंकर। इतना समझाने के बावजूद तुम फिर यहां आ गए? मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया था, मगर इस वक्त तुमने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। मैं एक हसीन ख्वाब में था और तुमने मुझे चौंका दिया। ख्वाब में नहीं, तुम उस जहर के नशे में थे जो शरबत के धोखे में पी गए हो। चलो आओ। स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे हमेशा हसीन होते हैं। एक अकलमंद इंसान को यह जानना चाहिए। तुम अपने अकलो होश बिल्कुल गंवा बैठे हो? क्या तुम इतना नहीं समझ सकते कि मौत एक खूबसूरत रूप में तुमसे आंख मिचौली खेल रही है? शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं दिल से मजबूर होता जा रहा हूं। गलत। इंसान के पास सिर्फ दिल ही नहीं, दिमाग भी है। जानवर भी जब किसी जाल में फंसने लगता है तो एक बार भड़कता है। तुम इंसान होकर भी नहीं चौंकते? वकील साहब, मोहब्बत के इस मुकदमे में बहस की जरूरत नहीं, आप जीत नहीं सकते। आओ, आओ। कहाँ जा रहे हो? वकील साहब, सुबह हो रही है, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहे जाती हूं, मेरे और उनके दरमियान आने की कोशिश न कीजिए, वरना पछताइएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं,
भाग। रुमाली सरकार, क्या हुआ सरकार, ये धमाका कैसा था? इधर आओ। फरमाइए। तुमने इस महल की हमें जो कहानी सुनाई थी उसमें तुम एक खास बात कहना भूल गए थे। कौन सी उर्दू? ये कि इस महल में जिस औरत से मोहब्बत की गई थी उसकी रूह यहाँ भटका करती है। नहीं तो सरकार। लेकिन हम उसे कई बार देख चुके हैं। हुजूर को शुबा हुआ होगा, मुझे तो यहाँ 40 साल गुजर गए, मुझे तो कभी ना कभी दिखाई देती। अजीब बात। अच्छा तुम जाओ, चाय भिजवा दो सरकार। शंकर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं। चाय सरकार। रख दो यहीं। जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम ये मनहूस मकान नहीं छोड़ोगे? नहीं। तो फिर इस अंगारों के खेल में तुमने मर जाने की ठान ली है? अंगारों के इस खेल का अगर यही अंजाम है तो मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं। तो फिर मुझे ये मकान बेच देना पड़ेगा। हरगिज नहीं, तुम इसे नहीं बेच सकते। वो देखा जाएगा। मैं एक सख्त जरूरत में आपसे मिलने आया हूँ। वही तो मैं भी हैरान हूँ, आप और मुझ नाचीज की यहाँ, आप तो कभी इस रास्ते से भी नहीं गुजरते। फरमाइए किस लिए तकलीफ की? मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त एक औरत की भटकती हुई रूह के फरेब में बुरी तरह फंस गए हैं, और ये मामला इतना खतरनाक होता जा रहा है कि बहुत जल्द या तो दीवाने हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह उनकी तवज्जो उधर से हट जाए ताकि हमें उनकी शादी करने के लिए कुछ वक्त मिल सके। आप दोनों चूंकि लोगों के ख्यालात बदल देने में काफी तजुर्बा और शोहरत रखती हैं, इसीलिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूं। मगर हम तो खुद जहर हैं, आप हमसे दवा का काम लेने आए हैं, उल्टी बात। मैं जानता हूं, लेकिन कुछ खतरनाक बीमारियों का इलाज जहर से भी किया जाता है। सख्त तकलीफ में दवा से पहले मॉर्फिया का इंजेक्शन देते हैं। हाँ, तो इस इंजेक्शन के क्या दाम होंगे? मरीज को आप ले आइए, मर्ज और नब्ज देखकर मामला तय किया जाएगा। तो मैं एक बेहतरीन बहाने से उन्हें आप तक पहुंचा दूंगा, मगर उनके दिमाग को यहाँ आने के बाद फिर फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। जाल जो बनाइएगा वो ढीला और कमजोर ना हो। वो आ तो जाएंगे यहाँ। आ तो जाएंगे। वो तशरीफ ले आए। उनको रात के 1 बजे तक इंतजार कराओ, इस तरह कि जाने ना पाए। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कितनी देर? कुछ देर। अच्छी बात है, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन आप उनसे फरमा दीजिए कि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन। मैं आपका यह पैगाम पहुंचा दूंगी। अच्छी बात। Thank you.
भी इंतजार खत्म हुआ या नहीं? आप उकता तो नहीं गए? जी नहीं, लेकिन तो कुछ देर और इंतजार कीजिए। लेकिन इस घर की कुछ देर कितनी देर की होती? बरसों की तो नहीं होती? बरसों की भी होती है, लेकिन आपके लिए चंद घंटों की है। यहाँ का दस्तूर है, जैसा आदमी वैसी दे। आइए हुजूर। तशरीफ रखिए। माफ कीजिए, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। मालूम होता है आप हमारे मेहमानों में से हैं। आपका भेजा हुआ ये दस्ती नोटिस आज ही शाम मुझको मिला, इसी के बारे में मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। फरमाइए। इस नोटिस के जरिए मुझे बताया गया है कि वो महल जिसका नाम संगम भवन है आपने खरीद लिया, लिहाजा मुझे जल्द से जल्द उसे छोड़ देना चाहिए। मगर मैं उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपके पास ये इल्तजा लेकर आया हूं कि मुझ पर रहम फरमाइए, उसे मेरे हाथ बेच दीजिए। आप जो भी कीमत तलब करेंगी मैं मंजूर कर लूंगा, और जिंदगी भर आपके इस भारी एहसान से दबा रहूंगा। तो फरमाइए। इतनी इल्तजा से अगर आप हमको भी मांगते तो हम इनकार नहीं कर सकते थे। अच्छा हुआ आपने अपने इन लफ्जों में हमसे हमारा दिल नहीं मांगा। मकान हम वापस कर देंगे आप, लेकिन एक शर्त। क्या? हमने सुना है आप तस्वीरें बहुत अच्छी बनाते हैं। कहिए। तो एक तस्वीर हम दोनों बहनों की ऐसी बना दीजिए जिसके देखने से ये मालूम हो कि जादू एक है और मंत्र दो। मैं समझा नहीं। आप नहीं समझे? तीर एक, कमाने दो, निगाह एक, आंखें दो। मैं अब भी आपका मतलब नहीं समझ सका। अच्छा ठहरिए, मैं समझाती हूँ। चांदनी, सांस छेड़ो। आएगी ये रात फिर ना आएगी जब
नशे में झूठी हुई ये मस्त रात बैठी नशे में झूठी हुई नजर को छेड़ती हुई दिलों को चूमती हुई नजर को छेड़ती हुई दिलों को चूमती हुई यूं ही गुजर गई अगर खटक रहे कि भर हजार चाहो के मगर चाहोगे मगर ये रात फिर न आएगी ये रात फिर न आएगी जवानी बीत जाएगी जवानी बीत जाएगी ये रहना आएगी जवानी बीत जाएगी जवानी बीत जाएगी जवानी गा रही है दिल की धड़कनों के साज पर चलो कहीं भी ले चलो हमारा हाथ थाम कर चलो कहीं भी ले चलो हमारा हाथ थाम कर कहाँ की फिक्र कैसा हमारा जो है सके हम तुम्हारी जान की कसम ये रात फिर न आएगी ये रात फिर न आएगी जवानी बीत जाएगी जवानी बीत जाएगी ये रात फिर न आएगी जवानी बीत जाएगी जवानी बीत जाएगी मैंने तो आपके शिकार को आपके जाल के नीचे ला डाला और आप फंदे तक नहीं खेल सके सारा खेल बिगाड़ दिया आप पंछी एक बार जाल से निकल चुका अब वो और ऊंचा उड़ेगा खैर अब मैं कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूंगा
मेरे लिए बहुत बेचैन हो। बहुत। इस बेचैनी का अंजाम जानते हो? मेरी मौत। फैसला कर लिया? मेरी तरफ गौर से देखो। जवाब की जरूरत है। चलो मरने के लिए। रास्ता है तुम्हें याद नहीं रहा? तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं रहा इंसान अपने पिछले जन्म की हर बात भूल जाता है, इसीलिए तुम भूल गए हो कि तुम्हीं ने पिछले जन्म में मेरे लिए ये महल बनवाया। ये चोर रास्ता महल से नदी की तरफ जाता है। तुम इसी रास्ते से मुझसे मिलने आया करते थे, लेकिन मैं अब तक आत्मा हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारी और अपनी पिछली जिंदगी की एक एक बात याद है। वो तुम्हारा दीवानगी के साथ मुझसे मोहब्बत करना, वो दुनिया के दुश्मन रिवाजों से दूर तुम्हारा मुझे इस महल में लाके छुपा देना, वो मेरा अकेले दिन दिन भर तुम्हारे इंतजार में यहाँ तड़पना, वो तुम्हारा हर हाल में हर रात कोसों दूर से मुझसे मिलने आना, और एक रात इसी तरह यहाँ आते हुए तुम्हारा नदी की मौजों में उछल हो जाना, और मेरा तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाना। मुझे अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है, तुमने दूसरा जन्म ले लिया और पिछली जिंदगी के गमों से छुटकारा पा लिया, लेकिन मैं अब तक तुम्हारे लिए भटकती फिरती थी, तुम्हें ढूंढती फिरती थी, कभी मौत की वीरानियों में, कभी जिंदगी की गुंजान आबादियों में, कि तुम आए और मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुम्हें याद नहीं हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में बहुत पुरानी है, वही तुम्हें यहाँ खींच लाई है, और उसी ने तुम्हें फिर मुझ पर मरने के लिए आमादा किया है, क्योंकि सिर्फ यही हमारे मिलाप का रास्ता है। तुम्हारे मर जाने से तुम्हारे शरीर की ये दीवार जो हमारे दरमियान खड़ी हो गई है गिर जाएगी, और आत्मा आत्मा से मिल जाएगी। से गिरकर उस गहरे पानी में डूबना पड़ेगा।
लेकिन जरा ठहरो, मुझे डर लगता है कि फिर ऐसा ना हो कि मौत के अंधेरे में तुम कहीं फिर ओझल हो जाओ। तो मैं जिंदा हो सकती हूं। कैसे? आओ मैं तुम्हें बताती हूं। अगर मेरी आत्मा के लिए किसी ऐसी औरत का शरीर मिल जाए जिसे तुम पसंद कर सको और उसे कत्ल कर दो, तो गोया तुम्हारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हें ऐसी औरत को ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें उसका निशान बताती हूँ। एक औरत यहाँ अपने खूबसूरत मुखड़े पर मैला कुचैला खूंखट डाले हुए रोजाना तुम्हारे आसपास फिरा करती है। कौन? मालन। मालन? हाँ, तुम उसका खूंखट उठाकर जरा देखो, शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए और हमारे मिलाप का सामान हो जाए। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि मैं मालन के रूप में आऊं, ये इत्मीनान कर लेना चाहती हूं कि तुम मुझे मालन के रूप में देखकर बदल तो नहीं जाओगे। मालन तो क्या, मैं तुम्हें एक नागन के रूप में भी हासिल करने के लिए तैयार हूं। तो फिर मैं कब आऊं? अभी मैं वो जिस्म तुम्हारे लिए अभी खाली किए देता हूं। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तो फिर कब? वो सुबह अपने वक्त पर चाय लेकर आएगी, तुम पहले उसे अच्छी तरह देख लेना और फिर आखिरी फैसला करना। अब जाओ। और मिलाप की सुहानी सुबह का इंतजार करो। सरकार? सरकार? हाँ कहिए। चाय आज जरा जल्दी चाहिए। बहुत अच्छा। क्या बात है सरकार? कुछ नहीं, तुम चाय जल्दी भिजवा देना। क्या बजे? कोई 7 बजे सरकार? नहीं, 6 बजे। Thank you.
नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम अंदर जाओ। तुम माने नहीं, डराओ। तुम एक परछाई के पीछे भागते भागते मर जाना चाहते हो? तुम बगैर किसी कसूर के अपनी मंगेतर के साथ अन्याय करना चाहते हो? इधर देखो, तुम जीते जागते इंसानों का खून निचोड़ कर मुर्दों को छिड़कना चाहते हो, यही चाहते हो ना? तुम जाना चाहते हो, जा सकते हो, लेकिन मुझको रास्ते से हटाकर, और मैं वो भारी पत्थर हूं जिससे ठोकर खाए बगैर तुम अपनी बर्बादी के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते, समझे? और अगर जा नहीं चाहते हो तो लो, और मुझे दरमियान से हटा दो। श्री को मैंने इसीलिए हटा दिया ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ निपटेगी उसका कोई गवाह न हो। मैंने लिख भी दिया है कि खुदकुशी मैंने की है। उठाओ पिस्तौल, देखते क्या, चलाओ गोली। मेरा सीना काफी चौड़ा है और तुम्हारा निशाना भी कुछ झूठा नहीं। उठाओ पिस्तौल। चलाओ गोली।
तुमने इससे क्या मतलब लिया? मैं भी कभी खुश था, वो तस्वीर निशानी थी, मैंने उसे मिटा दिया, मेरी खुशियों का खून हो गया। मैंने अपने दोस्तों और हमदर्दों का मान लिया। तुमने अच्छा किया, ये तुम्हें आगे मालूम होगा कि अब तुम ज्यादा सुख और इत्मीनान से हो। तकलीफ ऑपरेशन के उस नश्तर से भी होती है जो इंसान की भलाई के लिए उसके जख्म में चुभोया जाता है। एक दिन तुम इस जख्म की टीस और इस ऑपरेशन की तकलीफ को बिल्कुल भूल जाओ। हाँ, मैं भूल जाऊंगा, मैं अपने दिल को कुचल डालूंगा, मैं उसे भुला दूंगा, मैं भुला दूंगा। Thank you.
घूंघट में लिपटी हुई दुल्हन भी क्या चीज होती है, मुट्ठी में बंद उस पासे की तरह जो खुल जाने पर पौबारा कर देता है या चौपट। बताओ तुम क्या कर देने वाली हो, किस तरह खुलोगी, मेरे हक में या मेरे खिलाफ? इस वक्त तुम मेरी तकदीर बनी बैठी हो और मेरा दिल धड़क रहा है कि न जाने तुम कैसी हो, कैसी हो, खूबसूरत हो, खूबसूरत होना हाथ तो बहुत खूबसूरत, गोरा सुडौल और नाजुक, अब मैं इत्मीनान से घूंघट उठाकर अपनी तकदीर देख सकता हूं। शर्माती हो मुझसे, रोशनी से? अच्छा, बस अब इन बादलों को हटने दो और मुझे देखने दो कि मेरे नसीब का सितारा टिमटिमाता हुआ है या जगमगाता हुआ। मुझे परखने दो, चमकती हुई चीज सोना है जो तुमने मुझे टोक कर याद दिला दिया कि मैं भी अब तुम्हारी तरफ कैद हूं, मजबूर मजबूर। क्या हुआ रंजना? मेरा बड़ा सख्त अपमान हुआ भाभी, उन्होंने मेरा घूंघट उठाते उठाते इस तरह छोड़ दिया जैसे भूले से कोई पाप करने लगे थे, मगर संभल गए और मुझे हैरान परेशान छोड़कर बाहर चले गए। तो फिर लौट कर नहीं आए? फिर अगर लौट के ना आते तो अच्छा था, मेरे भविष्य का यहीं और इसी रात फैसला हो जाता। लेकिन कुछ देर बाद लौट कर आए और कहने लगे, रंजना मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा और फिर तुमसे मोहब्बत करूंगा। लेकिन मैं नहीं समझ सकी कि उनके इस बात का मतलब क्या। हर रात कहीं ना कहीं से कोई ना कोई घड़ी 2 बजाकर उसका पैगाम मुझ तक पहुंचाती रहेगी कि मुझे मत भूल जाना। रात भी मुझे उसका पैगाम मिला और मैं तड़प उठा, लिहाजा मैं कहीं दूर किसी ऐसे वीराने में चला जाना चाहता हूं जहां उसका पैगाम मुझ तक ना पहुंच सके और मैं इस बेचारी औरत के साथ इंसाफ कर सकूं जिसकी तकदीर का दीप तुम लोगों ने
मेरे दिल में चलती हुई आंधियों के दरमियान लाकर रख दिया है। पोस्टमैन, किसका खत है? आपकी बहन। दो साल हो गए, लेकिन भाभी सुहाग रात का पड़ा हुआ घूंघट मेरे चेहरे पर अब तक पड़ा है, और मुझे कुछ ऐसा मालूम होता है कि ये घूंघट यूं ही मेरे संचिता तक जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपने दिल में ये ठान ली है कि जब तक वो खुद मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे, मैं भी अपनी शक्ल उन्हें नहीं दिखाऊंगी। वो किस तरह के आदमी है मैं अब तक नहीं समझ सकी। वो एक खौफनाक गहरे राज की तरह मेरे जिंदगी पर छाए हुए हैं, और मैं उनसे सहमने लगी हूँ। जब से वो मुझे अपने घर से लेकर निकले हैं, मुझ पर क्या बीत रही है जरा तुम भी उसका तमाशा देखो। जरा हिम्मत से काम लो रंजना, तुम्हें तो अभी मेरे साथ जिंदगी का काफी सफर तय करना बाकी है। मैं बहुत थक गई। अच्छी बात है, जरा सुस्ता लो। नहीं साहब, यहाँ रात को ठहरना बहुत डेंजरस है। वो सामने के पहाड़ों पर वो मशहूर डाक बगला है, कल रात तक हम वहां पहुंच जाएंगे। चलिए। खबरदार। क्या है? वो नीचे क्या है? वो आग का दरिया कैसा बह रहा है? वो आग की दरिया नहीं है, इस कंट्री का जंगली लोग अपने देवता के मंदिर में एक अपराधी औरत को परीक्षा को लिए ले जाते हैं। कैसी परीक्षा? उसका पति ने बेवफाई का जो दोष इस पर लगाया है वो ठीक है या नहीं, वो ये कैसे मालूम करेंगे? वो देवता के सामने नाचेगी, और इस नाच का बीच में पुजारी एक एक करके चार छुरा उसको फेंक कर मारेगा। अगर उसमें से एक छुरा भी नहीं लगा तो वो निर्दोष मान ली जाएगी। अजीब मंजर। क्या हम वहां चल सकते हैं? नहीं नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों? वो मरेगा नहीं, निर्दोष को भी। ये तो पुरुष ही बड़े शक्की होते हैं। आइए। खबरदार, खबरदार। Hum bala 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 h
भाभी, ये कितना हौलनाक मंजर था। वो ऐसे ही हौलनाक मंजरों से मुझे थहलाते हुए न जाने किस अंजाम की तरफ ले जा रहे हैं, और वो अंजाम भी कितना भयानक होगा जिसके रास्ते इतने कठिन हैं। कदम कदम पर ठोकरे खाती हुई मैं अजीरन जिंदगी से घबरा कर मैं चाहती हूं कि मर जाऊं। घबरा के जो हम सर जो हम पे
अंजना, घबराओ नहीं, मैं सितमगर नहीं हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। मेरे लिए गलत राय कायम न करो, आओ। क्या करूं, राय गलत होती ही जाती है। इन दो चार रूखे फीके लफ्जों से क्या होता है। इन लफ्जों का एतबार कर भी लूं तो जो कुछ बीत रही है उसे क्या स्वप्न समझ लूं। और अगर इसे स्वप्न समझ भी लूं तो ये स्वप्न ही कितना भयानक है, कितना डरावना है। यह है डाक बगलों, कुछ बहुत पुराना नहीं है। हाँ, कितना सुकून है। क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? हाँ, हमेशा। यही वो खामोशी और तन्हाई है जिसकी मैं तलाश में था। इस वीराने में मैं इत्मीनान से रहूंगा और तुमसे मोहब्बत करूंगा। खामोश। खामोश।
डर है इस आग में जल जाए ना उल्फत का निशान रूठने वाले मोहब्बत का मुसीबत न बना ऐसा नहीं होता कैसा होता है कैसा भी होता हो मगर आप जैसा नहीं होता ये सही है आप मैम साहब को अकेला छोड़कर चला गया तो बहुत रोता है बुरा बात बहुत बुरा बात है
संजना, मैं अपने बर्ताव पर तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन आपके इस बर्ताव की आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? मैं आपकी बैर बढ़ती हूँ, मुझे बता दीजिए आपका मतलब क्या है? इस अंधेरे में मेरा दम घुटा जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप मुझे नहीं चाहते तो मुझे जिंदा रहने पर इसरार नहीं है, मैं अपने आप मर जाऊंगी, मैं संसार वीराने में कहीं गुम हो जाऊंगी, मैं आपकी जिंदगी से चुपचाप निकल जाऊंगी। लेकिन मुझे बताइए तो सही, मुझे कुछ कहिए तो सही, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं जरूर मर जाऊंगी। आप मुझे बिन बात इतनी बड़ी सजा ना दीजिए, एक निर्दोष और कमजोर औरत को इस बेदर्दी से कुचल कुचल कर धरा धरा कर माना बहुत जानी बना देता हूँ। बस एक औरत की जितनी जिल्लत हो सकती थी वो हो चुकी, अब मैं और कुछ नहीं सह सकती। मैं ये राज जरूर मालूम करके रहूंगी कि ये कैसी दीवार है जो उनके मेरे दरमियान खड़ी है और जिससे मैं अपना सर टकरा टकरा कर लहूलुहान हो चुकी हूं। मैं जिस खोलते हुए ज्वालामुखी की चोटी पर बैठी हूं, अब मैं खुद ही उसका मुंह खोल देना चाहती हूँ ताकि जो कल होने वाला है वो आज हो जाए। अब मैं यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ, यही चाहती हूँ। नहीं, रंजना, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। वो ऐसा नहीं कर सकती, हम जाकर उसे समझाएंगे। वो पागल हो गई है, इस तरह वो मर जाएगी।
मेरे दुश्मन, मैंने तुम्हें पहचान लिया। आज मैं तुमसे मालूम करूंगी ये क्या राज है कि जब भी वो मेरे पास आने लगते हैं तुम नहीं टोक देती हो। तो किसका पैगाम है जो तुम उन्हें पहुंचाते हो? बाबा, घड़ी बंद हो गई। क्या है आशा, घड़ी बंद है? हाँ, कैसे बंद है? वो देखिए, ये तो कभी बंद नहीं हुई। ये तो बहुत बुरा शगुन है। जबकि मेरे मन में आंधी चल रही है, तुम यूं गहरी नींद नहीं सो सकते। बेवफा, तुमसे घबरा कर अब मैं अपने आप को उस गहरे खड्ड में गिरा रही जहां से तुम मेरी लाश तक नहीं उठा सको।
बसी में गिरफ्तार था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहा, बहुत बेचैन रहा। मैं इसका यकीन करती हूं। तुम्हारे बोलने के अंदाज और तुम्हारी उखड़ी हुई सांसों की आवाज से मैं इसकी गवाही सुन रही हूं कि तुम मेरे लिए बहुत बेचैन। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं। इस बार क्या फैसला करके आए हो? मैं ये जानना चाहती हूं। इस बार मैं मरने आया हूं या तुम्हें हासिल करने? हाँ, मुझे हासिल कर लो। मालन अब तक जिंदा है, तक उसी तरह खूबसूरत है। मैं अब तक तुम्हारे लिए भी कर लूं और मैं एक बार करती हूं कि तुम मुझे हासिल करना चाहते हो। सुबह होगी, मालन तुम्हारे पास आएगी, तुम अपने फैसले पर जमे रहोगे और मुझे हासिल कर लोगे। मालन
जी भाभी। बयान देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा दीवान जी, रोजनाम चलाइए। आपका नाम? रंजना। मुसम्मात रंजना देवी। आपका पता? संगम भवन। संगम भवन इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। आगे लिखवाइए। ये मेरे पति हैं, इन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझसे बड़ी बेवफाई की और आज आखिर इन्होंने एक गैर औरत की मोहब्बत में मुझे जहर दे दिया। जहर? आपको जहर दिया गया? अब्दुल, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मेरे दस्तखत ले लीजिए जल्दी। भला निशानी उठा लीजिए। क्या तुम बहुत खूबसूरत हो? फरमाइए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, अपना घूंघट उठाओ। कौन? पुलिस। क्या है? आप गिरफ्तार किए जाते। क्यों? तुमने कत्ल किया? नहीं। तुमने कत्ल किया? तुम अपनी बीवी से नफरत करते थे और इसी नफरत की वजह से तुमने उसे धोखे से जहर देकर मार डाला। नहीं। यकीनन तुम अपनी बीवी से नफरत करते थे। तुमने अपनी बीवी की सूरत जिंदगी में एक बार भी नहीं देखी। तुमने उसे देखा? हाँ। तुम झूठे हो। तुमने अगर उसे देखा है तो ये लो और इन मुख्तलिफ तस्वीरों में से पहचानो उस औरत की तस्वीर कौन सी है जिसने अपनी जिंदगी का एक जमाना तुम्हारे साथ गुजारा। यही है तुम्हारी बीवी? इनमें से कोई भी तुम्हारी बीवी नहीं थी। बेशक तुम उसे नहीं पहचान सकते, होने ना कभी नहीं छुप सकता। तुमने खुद गवाही दी कि तुमने अपनी बीवी को कभी नहीं देखा क्योंकि तुम उससे नफरत करते थे। तुमने उस पर जुल्म ढाए जिसकी गवाह तुम्हारी मजलूम बीवी की ये चिट्ठियां हैं। तुमने उसे कत्ल किया जिसकी गवाह तुम्हारी बीवी की ये फरियाद जो पुलिस के रजिस्टर पर उसके दस्तखतों के साथ मौजूद है। आशा मालान वलद कृष्णा माली हाजिर है।
आशा मालन वलद कृष्णा माली हाजिर है। ये है वो औरत, वो जादू, वो शराब, जिसकी धुन में इस बेदर्द मुल्जिम ने अपनी मासूम और मजलूम बीवी को जहर देकर मार डाला। यह है वो नागन जिसने इस संगल इंसान को ऐसे भयानक जुर्म पर उकसाया। मिलॉर्ड, इस ड्रामेटिक तकरीर पर मुझे इतराज है। मुल्जिम और इस औरत के इश्क की कहानी जिस पर मुखालिफ इतना जोर देना चाहता है वो गढ़ी हुई है, और मैं अपने दावे को साबित करने के लिए यह सबूत पेश करता हूं। यह हसीन तस्वीर, यह मोहिनी सूरत, यह दिलकश चेहरा उस औरत का है जिसे कत्ल कर डाला गया। इस औरत के लिए मैं अकल इंसानी से यह सवाल करता हूं, क्या यह बात मानी जा सकती है कि एक जाहिल मालिकी यह गवार लड़की, यह मैली कुचैली मालन, ये फुहर देहातन क्या एक सुशील और खूबसूरत औरत के कत्ल की वजह बन सकती है? ये बस सूरत और दामिनी, दामिनी कौन? मेरा असली नाम आशा है, मैं कृष्णा माली की लड़की हूं। मैं इस मुकदमे में जो बयान देने वाली हूं उसका एक एक लफ्ज तवज्जो के लायक है, इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मेरा बयान गौर से सुना जाए। महल के मुतालिक मोहब्बत की जो कहानी मशहूर है वो मैंने भी अक्सर अपने बाप की ज़बानी सुनी थी। जब मैं जवान हुई तो मेरे दिल में भी सरमान ने अंगड़ाई ली कि काश मुझे भी इसी तरह चाहा जाए, लेकिन एक मालिक की लड़की को इस तरह नहीं चाहा जा सकता। मैं इस हकीकत को समझती थी, इसीलिए मैंने अपनी इस तमन्ना को तस्कीन देने का एक नया तरीका निकाला। मैं आधी रात को चुपके से उठकर महल में जाती, उस औरत का रूप भरती जिससे यहाँ मोहब्बत की गई थी, और जिस शख्स ने ये महल बनवाया था उसकी तस्वीर से मोहब्बत का स्वांग रचाती। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस वहम में गिरफ्तार हो गई कि मैं ही वो औरत हूँ, और मैं इस तस्वीर से सचमुच मोहब्बत करने लगी। आखिर एक रात जबकि मैं अपने दस्तूर के मुताबिक महल में घूमती फिर रही थी, मैंने इन्हें देखा। पहले तो मैं घबरा कर छुप गई, लेकिन फिर जो मैं इन्हें गौर से देखने आई तो हैरान रह गई। ये वही थे जिनकी तस्वीर महल में मौजूद थी, ये वही थे जिनका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, और ये फिर जन्म लेकर यहाँ आए थे। मैं नज़दीक ही छुपी हुई इन्हें देख रही थी। ये अपनी तस्वीर से सख्त परेशान थे और मेरे बारे में भी बहुत हैरान। ये खुद ही मुझे अपनी कामनी की रूह समझ रहे। इनके इस वहम से फ़ायदा उठाने का मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया ताकि ये अच्छी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, और इन्हें यकीन दिलाने के लिए कि वाकई मैं कामनी की बेकरार आत्मा हूँ, मैंने महल के चोर रास्तों से खूब काम लिया। मुझे डर ये था अगर इस मोहब्बत के आगे बढ़ने से पहले इन्हें ये मालूम हो गया कि मैं माली की लड़की हूँ तो मेरा सुहाना ख्वाब टूट जाएगा। और जब मुझे ये यकीन हो गया कि अगर अब इन पर ये बात जाहिर भी हो जाए कि मैं एक माली की लड़की हूँ फिर भी ये मुझसे नफरत नहीं करेंगे, तो मैंने अपने आप को इन पर जाहिर कर देने का फैसला कर लिया।
मैंने इनसे कहा मैं जिंदा हो सकती हूँ अगर तुम मुझे मालन के शरीर में देखना पसंद करो तो उसे कत्ल कर दो ताकि मेरी फटकती हुई आत्मा उसके मुर्दा शरीर में समा जाए मेरा मतलब था जब वो मालन को पसंद करने के लिए मेरा ही घूंघट उठाएंगे तो मुझे पहचान जाएंगे हालांकि मैं ये जानती थी कि ये बहुत खतरनाक तदबीर है इसमें मेरी जान जाने का भी खतरा है लेकिन मैं इनकी मोहब्बत में ये खतरा भी मोल लेने पर तैयार हो गई मगर अफसोस ना मैं कत्ल हो सकी ना मैं इन्हें पा सकी और मेरा सुहाना ख्वाब टूट गया अदालत और हाजरीन अदालत मुलजिम बिल्कुल बेकसूर है और बेगुनाह है मैं इन पुरजोर अल्फाज के साथ अब अपना बयान सफाई शुरू करता हूं यह दावा ही सरासर गलत है कि मुलजिम ने अपनी अय्याशी के लिए एक औरत के बाद दूसरी औरत को कत्ल किया यह एक महज कयास है इसका सबूत कुछ नहीं खून के ऐसे संगीन मुकदमे में बेदलील दावे करना मनघात कहानियां गढ़ना एक और खून बहाने के बराबर ही जुर्म है किसी से बेपनाह मोहब्बत करना और उसे न भूल सकना बताओ दुनिया की किस कानून की रूह से जुर्म है मगर तुम्हारे मुलजिम ने उसे फिर भी भूल जाने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी ही मजलूम औरत ने उन जख्मों को कुरेदा जो भर जाने वाले थे उस आग को दहकाया जो सर्द हो जाना चाहती थी उसने जुर्म किया जैसा कि खुद उसकी इन चिट्ठियों से जाहिर है उसने जिद और झुंझलाहट में अपने आप को खुद ही ज्वालामुखी के दहाने में गिरा दिया आज अगर तुम इस झुंझलाई हुई औरत की झुंझलाहट और त्रियाहट की सजा एक ऐसे बेकसूर शख्स को देना चाहते हो जो खुद ही मजलूम है तो फिर कानून के ढेर इन सैकड़ों मुकदमों के फैसलों और इंसाफ की इन हजारों दास्तानों को भुला दो जला दो इंसाफ की होशियार निगाहो इधर देखो इन धुंधलाई हुई वीरान और उदास आंखों में झांको जिनमें बर्बाद जिंदगी की धूल उड़ रही है ढूंढो इनमें कत्ल और खून की सुर्खी कहां है और बताओ इनमें वो चिंगारियां कहां है जो एक खूनी की आंखों में चमकती है गुनाह और बेगुनाही की जांच करने वालों इस पर न जाना कि मेरे पास इस सगासे के जवाब में कागजी बात नहीं है लिहाजा फैसला करते वक्त इंसाफ को कागज के बाटों में न तोल देना ये न भूल जाना कानून के निगहबानों अपने मुलजिम के दामन पर खून के धब्बों के बारे में फैसला करने से पहले यह अच्छी तरह परख लेना अच्छी तरह इत्मीनान कर लेना कि यह खून के छींटे कहीं छिड़के हुए तो नहीं है अब मेरे इन अटल अल्फाज को भी याद रखना जो हमेशा गूंजते रहेंगे कि मुलजिम बेकसूर है मुलजिम बेकसूर है मुलजिम बेकसूर है मुलजिम बेकसूर है लेकिन अदालत और जूरी की राय में मुलजिम कसूरवार है लिहाजा नहायत अफसोस के साथ मुलजिम के लिए सजाए मौत का हुक्म तजवीज किया जाता है
कामिनी, मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि कल मैं इस जिंदगी से जा रहा हूं, मगर तुम निराश न होना, तुम उदास न होना, हमारी मुलाकात फिर होगी। इसी दुनिया में मैं फिर लौट कर आऊंगा, मैं फिर जन्म लूंगा। पहले भी मैं इस मोहब्बत में न जाने कितनी बार मर मर कर जन्म ले चुका हूं, ये एक मौत और सही, एक जन्म और सही। मेरी तड़प, मेरी प्यास तुम्हारी इन मासूम आंखों से टपकती हुई यह मोहब्बत मुझे यहां फिर खींच लाएगी। लेकिन तुम कहीं मेरे लिए न मर जाना, क्योंकि अगर तुम मेरे लिए मर जाओगी तो शायद मौत की उस उजाड़ दुनिया में तुम मुझसे मिला दी जाओगी। लेकिन मैं वहां तुम्हें पाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें यहां पाना चाहता हूं। यहां मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा हूं, यहां से मैं बार बार नाकाम जाता रहा हूं, यहां मुझे फांसी दी जा रही है, मैं यही तुम्हें पाना चाहता हूं। इसीलिए मैं आज तुमसे यह कुर्बानी चाहता हूं कि तुम अपने इस जन्म में मुझसे छिन जाओ, मेरी न रहो, ताकि मेरे कारण तुम्हें फिर जन्म लेना पड़े। मैं जानता हूं यह कुर्बानी बहुत बड़ी होगी, लेकिन कामिनी, अगर तुम ये चाहती हो कि हम फिर एक बार मिलाप की तमन्ना में जन्म लें, तो इस इम्तिहान से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। बोलो, तुम क्या फैसला करती हो? तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए मैं हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगी। तुम बहुत कीमती हो और मैं तुम्हें पाना चाहती हूं। ये कुर्बानी जो तुमने मांगी है, ये हजार बार मरने से भी ज्यादा कठिन है, और एक औरत के लिए और भी कठिन। लेकिन तुम मुझे अगर इस कीमत में भी मिल जाओ तो ये सौदा मेरे लिए महंगा नहीं। मैं तैयार हूं। श्रीनाथ, तुमने हमारी गुफ्तगू सुनी? हाँ सुनी। आज मैं तुमसे अपनी गहरी दोस्ती के सिलसिले में यह आखिरी हमदर्दी चाहता हूं। मेरे मरने से पहले मेरी कामिनी को मुझसे छीन लो, इनसे शादी कर लो, ताकि मेरी बदकिस्मती का यह आखिरी तीर भी इसी जन्म में मेरे दिल पर लग जाए और अगले जन्म में कोई जख्म खाना बाकी न रहे। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझसे बहस मत करो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बात का साफ जवाब दो, हाँ या नहीं। श्रीनाथ, तुमने मेरी भलाई की बहुत कोशिशें की हैं, ये एक आखिरी कोशिश और आज ही इसी रात, ताकि कल सुबह मैं फांसी के तख्ते पर से देख सकूं कि मेरी भलाई के लिए तुमने मेरी कामिनी को मुझसे छीन लिया और मैंने अपने कामिनी को अगले जन्म में हासिल करने के लिए तकदीर को पूरी कीमत अदा कर दी। अब कुछ देर मेरी तरफ देखती रहो। मैं तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं। But
हेलो क्या है ये एक पैरेंट चिट्ठी यहाँ खोली गई है। इस चिट्ठी का मजमून बहुत खतरनाक है। क्या एक औरत ने लिखा है कि वो खुदकुशी कर रही है और अपने कत्ल के इल्जाम में अपने शौहर को खताना चाहती है। ये चिट्ठी कहाँ से आई है? कानपुर से लौट कर आई है और इलाहाबाद से भेजी गई है। भेजने वाले का पता ऊपर लिखा हुआ नहीं है। उसके पते की तलाश में उसे यहाँ खोला गया है। भेजने वाले का नाम है? अंजना। यस कम इन। पुलिस हेडक्वार्टर। संगम भवन इलाहाबाद। प्यारी भाभी, आखिर मैंने बड़े जतन के बाद उनका खेत पाली और ये जान लिया कि अफसोस वो मेरे नहीं और न इस जिंदगी में वो मेरे हो सकते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वो मेरे ही। मैं अगर उन्हें यहाँ नहीं पा सकती तो मैं दूसरी दुनिया में उन्हें पाऊंगी जिसकी सरहद मौत के पार। और उन्हें पाने ही के लिए मैं आज मौत के पार जा रही हूँ और उन पर ये इल्ज़ाम लगाते जा रही हूँ कि उन्होंने मुझे जहर देकर मार डाला ताकि वो मेरे कत्ल के जुर्म में मौत की सजा पाकर मेरे पास पहुँच जाए। रंजन, ये है वो खत जो साबित करता है कि मरने वाली ने खुदकुशी की थी और ये उसके दस्तखतों के बारे में पुलिस की मुकम्मल रिपोर्ट है। और अब आपको जल्द से जल्द इन पर गौर करके इस नतीजे पर पहुंचना है कि आया गलत दलीलें और गलत सबूत इंसाफ को बहका कर किसी बेकसूर को फांसी के फंदे की तरफ तो नहीं लिए जा रहे। सर एच एन शर्मा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद। चीफ जस्टिस का हुक्मनामा है। मैं बहुत भागा
लेकिन अच्छा हुआ कि तकदीर जो बड़ी से बड़ी ठोकर मुझे लगा सकती थी लगा चुकी। यकीनन ये आखिरी कुर्बानी ही जिसके बाद इंसान के पास कुछ नहीं रह जाता। मुझे सख्त अफसोस है कि मेरी हर हमदर्दी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती रही और मेरी दोस्ती से तुम्हें बड़ा नुकसान पहुंचता रहा, लेकिन मैं उन सारे नुकसानों की आज तुम्हें कीमत अदा कर दूंगा। निराश मत हो, तुम जिस उलझन में गिरफ्तार बैठे हो उसका हल मेरे पास है। इधर देखो, इतना जब्त मत करो, इंसान इतना जब्त नहीं कर सकता। शंकर, शंकर, तुमने बड़ा जब्त किया। इंसान इतना जब्त नहीं कर सकता था। तुमने जाने में बहुत जल्दी की और मैंने कुर्बानी देने में बहुत देर की, लेकिन तुम फिर लौट कर आओगे। आएगा